अमेरिका सऊदी में हुए कितने मिलियन डॉलर की मिसाइल डील हुई है और क्या अफगानिस्तान के पास सैन्य अड्डा तलाश रहा है अमेरिका। पेगासस सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी अमेरिका में क्यों हुई बैन और मेक्सिको में कैसे हुई दो ड्रग डीलर्स की मौत। इन सभी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका ने सऊदी अरब से 650 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील को हरी झंडी दिखा दी है। पेंटागन ने कल घोषणा की है कि उसे सऊदी अरब को 650 मिलियन डॉलर मूल्य की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है। अमेरिका ने काबुल में 29 अगस्त को हुए एयर स्ट्राइक को जायज ठहराया है। पेंटागन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में कोई लापरवाही या गलती नहीं की गई है। पेंटागन ने यह भी कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। ISIS के ठिकानों पर अमेरिकी सेना के एयर स्ट्राइक में 7 बच्चों समेत 9 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव का दावा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के पास सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है और वो भारत को भी मनाने में जुटा है। अमेरिका के इस प्रयास पर पुतिन ने बाइडेन से अपना विरोध जताया है। अमेरिका ने खुफिया जानकारी चुराने के आरोप में टेक्नोलॉजी से जुड़ी 4 विदेशी कंपनियों को बैन कर दिया है। बैन की गई कंपनियों में जासूसी के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाले इसराइल की NSO ग्रुप और कैंडीरू भी शामिल है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान पर परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू करने के लिए फिर दबाव बनाया है। इसके बाद ईरान ने भी बातचीत की हामी भर दी है। 29 नवंबर को वियना में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू हो सकती है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ये पहली बैठक होगी। ओमान सागर में ईरान और अमेरिका के बीच उस वक्त टेंशन बढ़ गई जब ईरान ने अमेरिका पर तेल टैंकर चुराने की कोशिश का आरोप लगाया। ईरान ने तेल टैंकर के लिए अमेरिकी सेना की घेराबंदी का वीडियो भी जारी किया। ईरान ने कहा, हमारी सेना ने अमेरिकी सेना के प्रयास को विफल कर दिया। रूस जल्द ही अपने नौसेना को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस कर सकता है। पुतिन ने कहा है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण अंतिम दौर में है और इसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका ने सुरक्षा खतरों से निपटने और अपने सैनिकों के बीच बेहतर तालमेल के लिए 2 हफ्ते का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसराइल में शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिका का आधुनिक युद्धपोत भी हिस्सा ले रहा है। मेक्सिको के कानकुन में 5-स्टार हयात होटल में गोलीबारी में 2 ड्रग डीलरों की मौत हो गई है। इस दौरान होटल में अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस ने कहा कि कोई भी टूरिस्ट गंभीर रूप से घायल या अगवा नहीं हुआ है। ये स्थान अमेरिकी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।